हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे द डिजिटल ऑनलाइन अर्निंग चैनल में। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आप अपना आधार कार्ड स्टेटस चेक कैसे करें। यानी दोस्तों, जब अपना आधार कार्ड बनवाते हो तो वहाँ पे आपको एक रसीद मिलती है, जिस रसीद में दोस्तों वहाँ पर एप्लीकेशन नंबर लिखा रहता है और उसको माँ बाप को डेट टाइम समय लिखा रहता है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड अभी बना या नहीं बना या प्रोसेसिंग में चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, कैसे पता करें हम बताते हैं। दोस्तों, अपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन दबा दें और ऑल पर प्रेस करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, यहाँ पर ऐसे रिलेटेड वीडियो आपको मिलती हैं। चलिए दोस्तों, हम अपने स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो अपने स्क्रीन पर आप क्रोम या ब्राउजर या गूगल किसी को ओपन कर लेंगे आप। दोस्तों, मैं अपने क्रोम को ओपन कर लूँगा। क्रोम ओपन करके दोस्तों, जो आपके आधार कार्ड की वेबसाइट है, जिस वेबसाइट का नाम डालेंगे दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पर देख रही है, इस दोस्तों मैं इसकी वेबसाइट अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सीधा आप इस पेज पर आ जाओगे। नहीं तो दोस्तों, आप सीधे क्रोम पर जाकर यहाँ से देख सकते हो। दोस्तों, हम जो UID वेबसाइट है, हम अपने इस पर डाल लेंगे। तो दोस्तों, हम UID लिख कर तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे दोस्तों आपके कुछ स्क्रीन पर यहाँ दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, यहाँ पर पहले आपको दिख रहा है जो पहले ऑप्शन है UID, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों, हम सबसे नीचे जाएंगे, आपके नीचे में मिलेगा आपको गेट आधार का ऑप्शन। दोस्तों, गेट आधार ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर हम नीचे जाएंगे। जैसे दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर आपको दोस्तों कई ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको। तो दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको बुक अपॉइंट, जो दोस्तों यहाँ पर बुक एंड अपॉइंटमेंट लिख रहा है। दोस्तों, इसके नीचे लिख रहा है आपको चेक आधार स्टेटस, जैसे दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे दोस्तों हमने इस पर लगाया निशान, तो यहाँ पर लिख रहा है बुक एंड अपॉइंटमेंट और नीचे लिख रहा है आपको चेक आधार स्टेटस। दोस्तों, जो आपके सामने चेक आधार स्टेटस लिख रहा है, हम इस चेक आधार स्टेटस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम चेक आधार स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा, जैसे जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो हम नीचे आएंगे, नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको लिख रहा है कि EID, यानी कि दोस्तों इनवैलिड नंबर, जो कि दोस्तों आपके रसीद पर लिखा रहता है। दोस्तों, जो आपके यहाँ रसीद पर लिखा रहता है, हम इस नीचे बॉक्स में डाल देंगे। तो बॉक्स में डालेंगे तो दोस्तों, फिर नीचे एक और बॉक्स आता है जिसमें आपको टाइम डालना है, यानी दोस्तों वहाँ पर आपको सब डेट डालनी है कि आपने कब बनवा में डाला, जो उसके रसीद में सब लिखा रहता है। तो दोस्तों, रसीद लिखा रहता है, फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना कैप्चा कोड डालना है। तो कैप्चा कोड डालेंगे तो दोस्तों, फिर यहाँ पर आता है चेक स्टेटस। तो हम सब सौदा फिल्ड करके तो चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे, जैसे तो स्क्रीन पर लिख रहा है यहाँ पर चेक स्टेटस। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना सन नंबर फिल्ड कर देंगे, इनवैलिड नंबर, डेट, समय, और दोस्तों यहाँ पर अपना कैप्चा फिल्ड करके फिर हम चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। चलो दोस्तों, यहाँ पर अपना फील्ड करता हूँ मैं। तो दोस्तों, मैंने अपना EID नंबर और दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना डेट, समय और कैप्चर कोड सब फील्ड कर दिया। तो दोस्तों, सब फील्ड करके मैं चेक स्टेटस पर क्लिक करूँगा। तो दोस्तों, आपके सामने पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको लिख रहा है कि द रिक्वेस्ट कैन नॉट टू प्रोसीड टू टेक्निकल इश्यू। दोस्तों, मेरे जो आधार कार्ड है, जो भी इस प्रोसीड में चल रहा है, तो दोस्तों कुछ दिनों में बन जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू आ रही हैं, तो दोस्तों इसीलिए आपको प्रोसीड दिखा रहा है। दोस्तों, आप इसी तरह अपना चेक कर सकते हो। तो वीडियो आपको कैसे लगी, इस वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों आपको कोई कमेंट हो, कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू।